विद्यार्थियों, आज हम वैदिक सूक्तावली के अंतर्गत इंद्र सूक्त का अध्ययन करेंगे। यो जात एव प्रथमो मनस्वान देवो देवान पतुना पर्यभूषत यस्य शश्माद रोदसी अभ्यसेताम निम्नस्य मयिम साजनास इंद्रः। प्रस्तुत मंत्र में ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें सूक्त से ये लिया गया है। इस सूक्त के ऋषि गृत समद देवता इंद्र तथा छंद त्रिष्टुप है। इस मंत्र में ऋषि ने इंद्र के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है। यह जातः एव प्रथमः मनस्वान देवः क्रतुना देवान पर्यभूषत यस्य शुष्मात् निर्मणस्य मनाम रोदसी अभ्यसेताम जनांस है स इंद्र है। अर्थात हे पुरुषों, हे जनास है, हे देव, हे पुरुष, यह अर्थात यह जाते हैं जिस प्रथम है पहले प्रमुख मनस्वान महानुभाव मनुष्यों में देव है, ऐसे द्योतनशील देवों ने जाते हैं उत्पन्न होते ही क्रतुना अपने सामर्थ्य से सभी देवताओं को पर्यभूषत सब ओर से अलंकृत किया। यस्य जिसके सुषमात का अर्थ होता है बल से, पराक्रम से, नृम्णस्य सामर्थ्य की महिमा से, रोदसी यानी द्युलोक और पृथ्वीलोक कांपते हैं। हे पुरुषो, वहीं इंद्र है, वहीं इंद्र देवता है। यह पृथ्वी व्यथमानां द्रयम् पर्वतान प्रकुपितान अरमणात् यो अंतरिक्षमं विममे वरियो यो द्यामस्तंभनात् स जनास इंद्रः। अर्थात इस मंत्र में ऋषि गृत समद ने इंद्र के साहसपूर्ण कार्यों का वर्णन किया है कि जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया है, जिसने क्रोधित हुए पर्वतों को संयमित किया है और जिसने महान फैले हुए विस्तृत अंतरिक्ष लोक को बनाया है, निर्माण किया है उसका, और जिसने द्याम यानी द्युलोक को अस्तंभनात रोका है, हे मनुष्यो, वहीं इंद्र है। यानी इंद्र के वीरतापूर्ण साहसिक कार्यों का यहाँ वर्णन किया है। यो हत्वा हिम राणात् सप्त सिंधून योगा उदा जपता बलस्य यो अश्मनो अंतरिग्निम जजान संवृक समत्सु स जनास इंद्र है। इस मंत्र में गृत समद ऋषि ने इंद्र के भी वहीं पराक्रमपूर्ण कार्यों का वर्णन किया है। यह जिसने अहिम वृत्रासुर नामक सर्प को हत्वा मार करके सप्त सिंधून सात नदियों की जलधाराओं को बहाया है। यह जिसने बल नामक असुर के अपधा बाड़े से गौशाले से गाह गायों को उदाजत बाहर निकाला है। यह जिसने अश्मनी दो पत्थरों के बीच में अग्निम आग को उत्पन्न किया, युद्धों में संहार करने वाला है, ऐसा हे पुरुषो, वही इंद्र है। ये ने मा विश्वा च्यवना कृतान यो दासम वर्णम अधरम गुहाक श्वदनीय यो जिगीवा लक्ष्मादर्य स्पुष्टानि स जनास इंद्र। इस मंत्र में गृत समद ऋषि ने देवराज इंद्र के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है। जिसने ये संपूर्ण गतिमान नश्वर कृतानि ऐसे पदार्थ बनाए हैं और जिसने दासम दास जाति रंग को अधर्म नीचे गुफा में कर दिया है। यह जिसने लक्ष्म दाव के धन को जिगीवान जीत लिया है, ऐसे जुआरी के समान शत्रु की पुष्टानि यानी समृद्धियों को ग्रहण कर लिया है, हे मनुष्यों, हे पुरुषों, वही इंद्र है। यम इस्मा पृच्छन्ति कुहसेति घोरम मुतमेह माहुनिरेशो अस्तित्यमेनम सो अर्य पुष्टिर्विज इवामिनाति श्रद्धस्मै धत्तस जनास इंद्र है। इस मंत्र में गृत समद ऋषि इंद्र की सत्ता में विश्वास न रखने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि तुम लोग उसमें विश्वास रखो, अन्यथा वह क्रोधित होकर के अहित कर सकता है। इसी प्रकार से अगला जो मंत्र है वो भी इंद्र के लिए ही कहा गया है। यो रंध्रस्य चोदिता यः कृशस्य यो भ्रमणो नादमानस्य कीरेः युक्त ग्रावणो यो अविता सुशिप्रः सुत सोमस्य स जनास इंद्रः। जो
ये प्रस्तुत ऋषि इसके गृत्समध है और उन व्यक्तियों का उल्लेख किया है जिनकी सहायता इंद्र करता है, जो समृद्ध का, जो कृषस्य दुर्बल या दरिद्र का, जो ब्राह्मण है ब्राह्मण का और याचक का, स्तुति करने वाले का प्रेरक है, ऐसा सुशिप्र है, सुंदर थोड़ी है जिसकी सुंदर होष्ठ है, जिनके होठ वाले, जो युक्त ग्रावण है, सिलबट्टों को सिलने वाले या पीसने वाले, सुत सोमस्य, सिलबट्टे पर पीस कर निकालने वाले, सोमरस वाले, ऐसे यजमान का अविता रक्षा करने वाला है, हे पुरुषों वहीं इंद्र है।